Today, we are going to discuss about the energy resources. So first of all, we have to understand what is an energy. In physical terminology, energy is capacity of doing any work. Means कोई भी चीज़ को करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है वो डिफरेंट सोर्स से आती है हमें. फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाना खाते हैं एंड देन वी गेट एनर्जी फ्रॉम आफ्टर द डाइजेशन, जो उसमें एम्बेडेड एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीस. तो हम एनर्जी करते हैं. कोई भी ऐसा लेबर वर्क जो घर में काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एवरीथिंग नीड्स एनर्जी. बट देन ये हमें सोचना है कि जितने भी एनर्जी सोर्सेस वर्ल्ड में हैं, चाहे वो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल से लेके अप टू द हाइड्रो पावर, इन सब एनर्जीज का एक कॉमन सोर्स है, दैट इज सन. फॉर एग्जाम्पल अगर कोल की बात करें, कोल इज बेसिकली एक प्लांट मटेरियल होता है या एनिमल मटेरियल होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर द अर्थ वो कन्वर्ट होता है इनटू द कोल ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो वो बेसिकली जो बायोमास होता है दैट इज फ्रॉम द प्राइमरी प्रोडक्शन. प्राइमरी प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज जिससे सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इनटू द बायोमास. तो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब भी वो बायोमास बिकॉज ऑफ सर्टन जियोग्राफिकल एक्टिविटी, चाहे अर्थक्वेक्स हो, चाहे वॉल्केनिक एरप्शंस हो, चाहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स हो, उसकी वजह से वो मास अर्थ के नीचे दब गया. और उस प्रेशर की वजह से और हाई टेम्परेचर, जब हम जाते हैं अर्थ के नीचे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दैट इज कन्वर्टेड इन टू द कोल. तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली विद द सोलर एनर्जी बिकॉज सोलर एनर्जी उसमें एम्बेडेड है. तो उसको हम फिर डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हम कोल को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पावर इन थर्मो पावर प्लांट्स उसमें यूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ ऑयल इन लोकोमोटिव व्हीकल्स, लोकोमोटिव जो हम यूज़ करते हैं, इंजन यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं. तो ये था एक फॉसिल फ्यूल. अगर हम एक हाइड्रो पावर की बात करें देन यू विल से दैट हाउ द हाइड्रो पावर इज कनेक्टेड टू द सोलर एनर्जी. तो इफ यू का रिकॉल कि एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बेसिकली जो वाटर बॉडीज है, चाहे ओशंस हो चाहे इनलैंड वाटर बॉडीज हो, उसमें इवोपरेशन ऑफ वाटर होता है एंड दैट इवोपरेटेड वाटर गेट्स कंडेंस्ड इन टू द क्लाउड्स एंड देन इट स्टार्ट प्रिस्पिटेटिंग ऑन द ओशन और ऑन द लैंड सर्फेसिस. तो प्रिस्पिटेशन जो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड इन द फॉर्म ऑफ रेन ऑन माउंटेन्स और प्लेन्स, वही जो पानी है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स बहने लगता है टू द सीज. एंड देन वेन वी स्टार्ट हार्वेस्टिंग दिस हाइड्रो पावर दैट एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, तो हम उसको एक डैम की फॉर्म में स्टोर करते हैं पानी को एंड देन वी ग्रेजुअली एंड स्लोली रिलीज सो दैट वी कैन रन द टर्बाइन इन द हाइड्रो पावर. तो वो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ही पॉसिबल है कि हम जो स्ट्रीम का जो पानी है, स्ट्रीम्स में जो पानी आता है उसको हम डैम्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे एंड देन वी कैन यूज इट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल काम नहीं करेगा, जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, देन वी विल नॉट गेट एनफ वाटर फॉर स्टोरिंग इन द डैम्स. तो ये दो पहलू थे कि हाउ ए हाइड्रो पावर एंड हाउ ए फॉसिल फ्यूल्स आर रिलेटेड विद सोलर एनर्जी. तो देर आर मैनी क्लासिफिकेशंस ऑफ एनर्जी. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि वर्ल्ड में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब जो हासिल होती है एनर्जी, दैट इज उसका जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड में अगर दुनिया की बात करें, ऑन एन एवरेज 20-39% ऑफ जो एनर्जी आती है दैट कम्स फ्रॉम द ऑयल. ऑयल मीन्स बेसिकली फ्रॉम द पेट्रोल डीजल कैरोसिन
जो भी हम ऑयल यूज़ करते हैं, चाहे वो हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करते हैं, चाहे वो हम इंडस्ट्री लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं, तो इंडिया में वर्ल्ड में 39% ऑफ जो है ऑयल यूज़ होता है फॉर द एनर्जी पर्पस, एंड देन 24% जो एनर्जी आती है दैट कम्स फ्रॉम द कोल, ये वर्ल्ड की स्टेटिस्टिक्स है, एंड देन नेचुरल गैस से आती है 24%, न्यूक्लियर एनर्जी से 7% आती है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या अदर रिन्यूएबल एनर्जीज, चाहे वो बायोमास हो, अदर जैसे हाइड्रोजन वगैरह एनर्जी हो, तो दैट कम्स अराउंड 6%. तो ऑन एन एवरेज जो है मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द वर्ल्ड इज कम्स फ्रॉम द ऑयल. तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द एनर्जी यूज इन कंपेर इन द वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू इंडिया. तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा वहाँ पे, दैट ऑयल में जो है ऑयल से एनर्जी आती है 39% इन द वर्ल्ड. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो, देन द मोस्ट ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम द कोल, कोल से सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है, दैट इज 55% ऑफ द एनर्जी नीड्स आर मेट बाय द कोल. तो उसके बाद ऑयल से तकरीबन 31%, एंड नेचुरल गैसेस से 8%, एंड हाइड्रो पावर से 5%, एंड न्यूक्लियर से 1%. तो इसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे आप, तो कोल वर्ल्ड में खाली यूज़ होता है 24%, और उससे जो है वह इंडिया में वो कोल यूज़ होता है तकरीबन 55%. दैट मीन्स मोर देन डबल द कोल कंजप्शन इन इंडिया, बिकॉज जो है मे बी दे आर नॉट अप टू डेट इन वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज. जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होते हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर स्लोली गेटिंग अडाप्टेड इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. एंड देन जो ऑयल है दैट इज़ ओनली 31%. नेचुरल गैसेस जो हम नेचुरल गैसेस यूज़ करते हैं, बेसिकली जो सी एन जीज होते हैं जैसे कार्स वगैरह में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओनली 8% एज कम्पेयर टू वर्ल्ड दैट इज़ 24%. वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी 7% वर्ल्ड में है, एंड दैट इज़ ओनली अबाउट 1% इन इंडिया. तो इस लिहाज से वो जो एनर्जी की डिमांड जो मेट होती है वर्ल्ड में, दैट इज़ मोर लाइक जो क्लीनर दैन इंडियन सिनेरियो, बिकॉज द ऑयल जो है दैट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूटेंट्स एज कम्पेयर टू द कोल. कोल में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होता है, एशेस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और अदर भी इम्प्योरिटीज जो कोल में होती है वो भी जो है एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर में जो फैलती है. ऑयल इज समवट क्लीनर दैन द कोल. तो उसी के लिहाज से अदर एनर्जीज जो भी है तो उसमें भी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है. तो इसमें बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी में बात कर रहा था, दैट इज़ वेरी लेस, जो जैसे सोलर वगैरह जो है एनर्जी है दैट इज़ वेरी लेस. तो ये वर्ल्ड में तो 6% है, बट इंडिया में बहुत कम है, ना होने के बराबर. तो अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज है, दैट कैन बी डन बेसिकली, जैसे हमने नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफिक किया बहुत सारे क्राइटेरियाज पे, लाइक देयर ओरिजिन, वी क्लासिफाइड दैट इन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, देन बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्स, वो हमने एक बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में किया था. देन वी ऑल्सो डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द देयर रिन्यूएबिलिटी. तो लाइकवाइज एनर्जी रिसोर्सेज ऑल्सो कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, लाइक दोज टाइप्स ऑफ एनर्जी विच गेट्स रिन्यूड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस. सो इन दैट कैटेगरी लाइक सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इज अवेलेबल एवरी टाइम, नॉट इन द डे टाइम, बट इफ वी आर टॉकिंग ऑन द ग्लोबल लेवल देन इट इज अवेलेबल 24 आवर्स. अगर इस पार्ट में, अगर इंडिया में अभी अवेलेबल है, देन इट विल नॉट बी अवेलेबल इन अमेरिका फॉर एग्जाम्पल. तो किसी न किसी पार्ट में तो अवेलेबल होती है सोलर एनर्जी, मीन्स इट्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी.
इट विल टेक मोर देन बिलियंस ऑफ ईयर्स, जो उसके जो रिसोर्सेज है, जो उसके जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द सन, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट एग्जॉस्ट. सो सोलर एनर्जी इज अ कंटिन्यूअस काइंड ऑफ एनर्जी. देन विंड एनर्जी दैट इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद द सोलर एनर्जी, बिकॉज इफ सम ऑफ यू माइट हैव गॉन टू द मॉर्निंग वॉक, तो एक एग्जाम्पल है. तो मॉर्निंग वॉक अगर आप जाते हैं सुबह सनराइज से पहले, सनराइज अभी नहीं हुआ, पूरी मतलब सुबह की जो प्रेयर्स होते हैं उसके बाद ही आप जाते हैं, तो यू विल फाइंड अ लिटिल बिट काम एयर, हवा नहीं चलती उस टाइम. जो ही सनराइज होता है उसके बाद ही हवा चलने लगती है. आप कभी एक्सपीरियंस करना ये सब. तो जो सोलर एनर्जी होती है उससे जो हीट पहुंचती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उससे जो एयर पार्सल्स होते हैं, एयर पैचेस होते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं. तो एयर जब हीट अप होता है तो इट ट्रैवल्स टू द हायर एलिवेशंस, वो लाइटर हो जाता है, गर्मी से वो हल्का हो जाता है, तो ऊपर चला जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर हो जाता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड्स, जो हवा चलती है. तो हम ये कह सकते हैं कि विंड एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोलर एनर्जी. जहाँ पे भी विंड एनर्जी या गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, देन देयर आर चांसेस कि वहाँ पे विंड एनर्जी भी ज़्यादा डेवलप होगी. कुछ दिन पहले भी यहाँ पे, पर्टिकुलरली इन कश्मीर में, गर्मी बहुत बढ़ी, तो शाम के टाइम पर्टिकुलरली हवा बहुत अच्छी चलती है, तेज़ हवा चलती है. तो विंड एनर्जी इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. वेन एवर देर इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी विल बी अवेलेबल. देन जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी विच इज एम्बेडेड विद इन द कोर और मेंटल ऑफ द अर्थ. जब से अर्थ बना है उसमें कुछ हीट एम्बेडेड है, तो वही हीट बाहर निकलते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक इन हॉट स्प्रिंग्स, या डायरेक्टली हम वहाँ पे ड्रिल करते हैं वहाँ से निकालते हैं. तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एनर्जी इन डिटेल. देन इन रिन्यूएबल एनर्जी देयर इज टाइडल एनर्जी, जो बेसिकली टाइड्स होते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन एंड मून. तो मून की वजह से हाई टाइड्स होते हैं और सन की वजह से लो टाइड्स होते हैं. बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, जो मून नज़दीक होती है तो उसका ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सन ऑन द अर्थ. देन वाटर एनर्जी, बायोमास, बायो एनर्जी, दैट विल ऑल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. बट दीज ऑल एनर्जीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जीज. दे आर इनएग्जॉस्टेबल एंड देयर रिजनरेशन रेट इज़ वेरी फास्ट. एंड देन इन रिन्यूएबल कैटेगरी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज टाइप्स ऑफ एनर्जी विच गेट्स एग्जॉस्टेड विद इन नो टाइम एंड देयर रिजनरेशन इज वेरी वेरी इट टेक्स वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर रिजनरेशंस, बेसिकली मोर देन द लाइफ स्पैन ऑफ एन ह्यूमन. 1,000 साल, 1 बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल को बनने में. बिकॉज कोल की भी जो कैटेगरीज होती है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, दैट इज बेसिकली द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कोल. तो लिग्नाइट इज द इम्प्योर इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, जो पीट होता है, पीट लैंड्स होते हैं ना, बेसिकली जो बायोमास जमा हो जाता है एंड दैट ग्रेजुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल. पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. तो एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल. तो ये इसमें तो हजारों साल लगते हैं कि कैसे एक पीट कन्वर्ट होगा इनटू द एंथ्रासाइट, बिकॉज ऑफ वेरियस जो जियोलॉजिकल प्रेशर्स होंगे या एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होंगे उसके उसमें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. देन ऑयल, बेसिकली ऑयल्स जो है, पेट्रोलियम जो होता है उसको रिफाइन करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. पेट्रोलियम में हम डिफरेंट ऑयल्स निकाल सकते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, लाइक जेट ऑयल, फिर पेट्रोल, देन कैरोसिन, देन डीजल, देन अदर वैक्सेस एंड लुब्रिकेंट्स. वो बेसिकली डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कौन टाइप ऑफ ऑयल जो है इवॉपरेट होती है, कंडेंस होती है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके. तो उसके बाद गैसेस, नेचुरल गैसेस, बेसिकली जो ऑयल्स होते हैं, पेट्रोलियम होता है उसकी आसपास ही जो नेचुरल गैस होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड ये ब्यूटेन, प्रोपेन एंड मीथेन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर द मे बी फॉर डोमेस्टिक पर्पस एज वेल एज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो.
तो ये थी बेस्ड ऑन द रिनेबल एंड नॉन रिनेबिलिटी जो क्लासिफिकेशन है. अनदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज बिकॉज उसके जो स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एनर्जी है, रेगुलर काइंड ऑफ थिंग, और जनरली जो हमें अवेलेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल आप जाके पेट्रोल पंप से ले सकते हैं, देन यू कैन गेट एन एलपीजी फ्रॉम एन एजेंसी. तो ये सब कन्वेंशनल एनर्जीज है जिसकी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, जिसकी टेक्नोलॉजीज बहुत ही चीप है, जो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं. तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो वो एनर्जीज होती है बेसिकली जो आम यूज़ नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, या वो बहुत महंगी होती है, दे आर एक्सपेंसिव, लाइक सोलर एनर्जी. हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है सोलर एनर्जी, बट एवरी वन ऑलमोस्ट कैन अफोर्ड एलपीजी सिलेंडर. तो वो टाइप्स ऑफ एनर्जी जो जिसके जो अभी जनरली यूज़ नहीं होता है, जो कॉमन नहीं है, जिसके बारे में अभी जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है, दैट दे आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी. तो ये थी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज. देन वी विल बी स्टार्ट बेस्ड ऑन जो मैंने भी कहा, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है, दे आर ऑलमोस्ट अवेलेबल विद अस एवरी टाइम, लाइक सोलर एनर्जी जो हम पहली एनर्जी डिस्कस करेंगे. हाउ कैन वी हार्नेस द सोलर एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स? तो बेसिकली जो सोलर एनर्जी है, ये भी धीरे धीरे इवॉल्व हुई है. पहले जो है, दैट वाज यूज्ड बेसिकली फॉर द जनरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी. तो उसकी एफिशिएंसी भी जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई है. तो सोलर एनर्जी बेसिकली हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है, सोलर एनर्जी का स्पेक्ट्रम जो होता है, मीन्स स्पेक्ट्रम होता है किस किस टाइप की एनर्जी जो आती है सन से. तो उसमें कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी जो है हमारे लिए बहुत ही अहम है. अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, देन हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट जो है, जो तकरीबन 46% होता है फ्रॉम जो सोलर एनर्जी जो आते हैं, उसका 46% होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो वही लाइट जो हम फिर फोटोसिंथेसिस से कन्वर्ट होता है इनटू द बायोमास बाय प्लांट्स. तो यही एनर्जी भी हम यूज़ करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर. तो उसमें हम सोलर फोटोवोल्टैक्स यूज़ करते हैं, जो जिसको हम सोलर पैनल्स होते हैं, उसमें छोटी छोटी सोलर सेल्स होती हैं, जिससे बेसिकली इस विजिबल लाइट की रेंज में जो एनर्जी होती है, उसमें स्मॉल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लगा होता है. आई गेस जो बायोलॉजी एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स क्या होंगे. तो सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन उसमें लगा है, एंड देन बिकॉज ऑफ वेरियस जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो उससे फिर एक सीरीज काइंड ऑफ सेल्स लगी होते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इनटू द बैटरीज. तो उसके बाद अगर हम देखेंगे जो सोलर एनर्जी का क्या उसमें कितना हम रिसीव करते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया रिसीव्स सोलर एनर्जी इन द रीजन ऑफ मतलब 5 से 7 किलोवाट पर आवर, पर 5 से 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर मीटर में हम तकरीबन 5 से 7 किलोवाट आवर पावर की एक यूनिट है. तो एनर्जी इतनी रिसीव करते हैं फ्रॉम द सन. तो तकरीबन यही एनर्जी 300 या 330 दिन हमें अवेलेबल होती है, बिकॉज जो क्लाउड कवर होता है उससे कुछ सोलर इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो ये एनर्जी उतनी अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास. तो यही एनर्जी जो है इक्वलेंट होती है तकरीबन 20 मेगावाट्स जो सोलर प्लांट्स होते हैं उसको हम सेटअप कर सकते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर. तो इतनी एनर्जी वहाँ से हम जो है हार्नेस कर सकते हैं. मीन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम यही प्लांट लगाएंगे, तो हर एक प्लांट से 20 मेगावाट्स एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो ये एनर्जी हम डिफरेंट फॉर्म्स में कैप्चर करते हैं, जैसे सोलर हीटिंग एंड सोलर इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज
जैसे सोलर हीटिंग क्या होता है, अब सोलर एनर्जी जैसे ये दो मेन जिससे हम सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, बट देयर आर मेनी मेनी वेज हाउ टू हार्नेस द सोलर एनर्जी. जैसे सोलर एसीज होते हैं, सोलर डिस्टिलेशन यूनिट्स होते हैं, और भी बहुत सारे जो टाइप्स है, सोलर पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो उससे भी हम एनर्जी जो है हार्नेस कर सकते हैं. और ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है इंडिया में कहाँ कहाँ किस टाइप के जो एनर्जी जो सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए, बट हाईएस्ट जो कैपेसिटी है फॉर द हार्नेसिंग, जहाँ पे सोलर इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज़ इन लद्दाख. लद्दाख में तकरीबन 20,000 मेगावाट्स तक की कैपेसिटी है सोलर एनर्जी को हार्नेस करने, बिकॉज देर इज़ वेरी लेस काइंड ऑफ क्लाउड कवर एंड देर इज़ वेरी लेस पोल्यूटेंट्स जो हवा में है, तो उसकी वजह से सोलर इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. तो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए नॉर्मली तीन तरीके हैं. देन कन्वर्ट फर्स्ट इज कन्वर्टिंग इट टू द थर्मल एनर्जी, देन कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रिसिटी एंड फोटोसिंथेसिस. अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये वाला पार्ट, दिस विल बी डिस्कसिंग अंडर द बायोमास इन रिन्यूएबल एनर्जी. देन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बेसिकली फोटोवोल्टेक. एंड कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी, दैट इज बेसिकली द सोलर वाटर हीटर्स. ठीक है, तो थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इसमें यहाँ पे तो डायग्राम नहीं है, आई गेस नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा. तो उसमें बेसिकली एक जो होता है, एक क्यूब होता है, क्यूब में छोटी छोटी पाइप्स होती है जिसका ट्यूब्स होते हैं इन जिगजैग फॉर्म, तो अंदर उसमें पानी होता है, बाहर से वो पूरा ब्लैक कलर के होते हैं ताकि दे विल कैप्चर मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द सन. तो उसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है. जैसे सोलर कुकर्स होते हैं, आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव सीन, अगर आप देखेंगे ऑन यूट्यूब पे भी, सो कि हाउ सोलर वाटर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर वर्क्स, तो उसमें बेसिकली एक ही प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कैप्चर होती है फ्रॉम द सन, उसमें पाइप्स वगैरह में जो पानी होता है वो हीट अप होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर वहाँ पे एक टैंक होते हैं, वहाँ पे वो स्टोर होता है, तो वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं. तो तकरीबन 60 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर उसमें इंक्रीज होता है. तो ये था सोलर वाटर हीटर. तो उसके बाद जो है सोलर फोटोवोल्टेक कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगर आपने देखा होगा एक सोलर पैनल इस टाइप की होती है, तो सोलर पैनल में एक मॉड्यूल लगा होता है, ये वाला छोटा वाला, और मॉड्यूल में सेल्स होती है, और सेल्स में भी छोटे छोटे जो होते हैं जिससे सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, जिसपे जब फोटॉन्स गिरते हैं, सोलर एनर्जी जब गिरती है तो वो एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं दैट विल प्रोड्यूस ए करंट, एंड दैट करंट इज स्टोर्ड इन द बैटरीज, नीचे बैटरीज लगी होती है. अब ये सोलर पैनल्स बेसिकली मोस्टली दे आर साउथ फेसिंग, बिकॉज साउथ की साइड ज़्यादा एनर्जी होती है, मैक्सिमम टाइम जो सोलर एनर्जी साउथ साइड होती है. अब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती है कि हुई है, एक जो है पिलर पे खड़ा होता है सोलर पैनल, जहाँ जहाँ से जो सोलर एनर्जी चलती है वहाँ से भी ऐसी चलती है. जैसे सनफ्लावर अपना जो है मोमेंट करता है टूवर्ड्स द सन, ये भी जो है मोमेंट वैसे ही करते हैं, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाए. तो इसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं इंडिया में, ये डिटेल्ड एक है कि कहाँ पे, इतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सोलर फोटोवोल्टेक. बेसिकली जो जो है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इंटू द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर में है ये मैं बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगा. तो थर्ड वन इज़ फोटोसिंथेसिस, जो हमने प्राइमरी प्रोडक्शन पढ़ी कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, फिर प्राइमरी प्रोडक्शन होती है, बायोमास बनता है क्लोरोफिल. तो वो बायोमास भी हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द को चार को, फॉर मेकिंग द बायोगैस. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके.